गाइस, दिस इज़ असिल पटेल फ्रॉम ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि MBBS अब्रॉड से करने से और MBBS इंडिया से करने से क्या क्या डिफरेंसेस है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया से MBBS करने में क्या है सिनारियो। अगर इंडिया में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, इसमें आपको बिल्कुल नॉमिनल फीस में आप आपका MBBS कंप्लीट करोगे। अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो आपको प्राइवेट सीट में एडमिशन लेना होता है। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर प्राइवेट MBBS की फ़ीस की बात करूँ मैं तो इंडिया में 12-13 लाख पर ईयर से हिसाब से स्टार्ट होता है और 15 से 20 लाख तक पर ईयर के हिसाब से कॉस्टिंग जाती है। तो गाइस, जो इंडिया से प्राइवेट सीट से MBBS करना बहुत ही कॉस्टिंग है। अगर गाइज मैं MBBS फ्रॉम अब्रॉड की बात करूँ तो अब्रॉड में जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस है 2 से 3 लाख से स्टार्ट होती है और 5 से 6 लाख तक जाती है, यानी कि एक अफोर्डेबल प्राइस कह सकते हैं MBBS कोर्स के लिए। अगर गाइज आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट अलोकेट नहीं होती तो MBBS अब्रॉड से करने में एक बेटर अपॉर्चुनिटी है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। अगर गाइस मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो जब आप MBBS इंडिया से कर रहे होते हो तो 4.5 साल का आपका MBBS होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, यानी कि टोटल 5.5 साल आपको लगते हैं डॉक्टर बनने में। इसी तरह जब आप अब्रॉड से MBBS कर रहे होते हो तो अब्रॉड की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में MBBS की ड्यूरेशन 6 साल की होती है विथ इंटर्नशिप, लेकिन अकॉर्डिंग टू NMC रूल्स जब आप इंडिया रिटर्न जाते हो तो इंडिया में भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। तो टोटल 7 साल लगते हैं आपको डॉक्टर बनने में जब आपने MBBS अब्रॉड से किया होता है। अगर गाइस मैं जो लाइसेंस एग्जाम है इसकी बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू NMC न्यू रूल्स, अगर आपने इंडिया से MBBS किया है तो भी आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पास करना है। अगर आप अब्रॉड से भी MBBS कर से इंडिया जा रहे हो तो भी आपको वो लाइसेंस एग्जाम या जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पास करना है। तो एक कैटेगरी में MBBS अब्रॉड और MBBS इन इंडिया बोथ इक्वल है। अगर गाइज मैं सैलरी की बात करूँ तो अगर आपने इंडिया से MBBS किया है या फिर अब्रॉड से MBBS किया है, जो MBBS डॉक्टर की सैलरी है वो सेम होती है। ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता इसमें कि आपने इंडिया से MBBS किया है तो आपकी सैलरी ज़्यादा या कम होगी या फिर आपने अब्रॉड से MBBS किया है तो आपकी सैलरी कम या ज़्यादा होगी। वो डिपेंड करता है एक्चुअली आपकी हॉस्पिटल पे या कोई कौन सी हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वो हॉस्पिटल कौन से रीजन में लोकेटेड है। जो सैलरी है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी आपने कहाँ से MBBS किया है। और गाइज एक और डिफरेंस की बात करूँ मैं तो जो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस है और अब्रॉड की जो मेडिकल कॉलेजेस है इसमें जो एजुकेशन पैटर्न है इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इंडिया में क्या होता है कि आपको पूरी बुक्स पढ़नी होती है और इसकी रिटन एग्ज़ाम होती है और सेम सब्जेक्ट की आपकी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होती है और वाइवा भी होता है। और इसी तरह मैं अगर फॉरेन मेडिकल जो कॉलेजेस है इसकी बात करूँ तो उसका एजुकेशन पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें एक सब्जेक्ट की अगर रिटन एग्ज़ाम हो गई तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर वाइवा नहीं होगा। अगर वो सब्जेक्ट की आपका वाइवा की एग्ज़ाम हो गई तो इसकी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगी, यानी कि कोई एक एग्ज़ाम पैटर्न ही होगा, या फिर वो सब्जेक्ट का वाइवा होगा या फिर इसकी रिटन एग्ज़ाम होगी। तो उस तरह से फॉरेन में एजुकेशन पैटर्न होता है। अगर गाइज मैं मीडियम की बात करूँ कि कौन से लैंग्वेज का मीडियम होता है स्टडी का, तो इंडिया में मोस्टली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होता है। हालांकि कई स्टेट्स में हिंदी मीडियम में भी MBBS अवेलेबल है। उसी तरह मैं अब्रॉड की बात करूँ तो अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अगर कोई केस में टीचर को इंग्लिश नहीं आता तो वो केस में यूनिवर्सिटी ट्रांसलेटर प्रोवाइड करती है और ट्रांसलेटर के जरिए आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि ट्रांसलेटर मीडिएटर बनता है आपको पढ़ाने के लिए। तो गाइज ये थे कुछ एकेडमिक डिफरेंस MBBS इंडिया से करने में और MBBS अब्रॉड से करने में। तो गाइज आप कहाँ से MBBS करने का प्लान कर रहे हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर गाइज आप भी MBBS अब्रॉड से करने का प्लान कर रहे हो तो आप हमारी कंपनी MBBS गाइड को चूज़ कर सकते हो।
आपके एडमिशन प्रोसेस एंड वीज़ा प्रोसेस के लिए आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर से। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।